हेलो भाई लोग, पिछले वीडियो में मैंने प्राणायाम के बारे में बताया था कि कौन से प्राणायाम मैं करता हूँ और प्राणायाम करने के बाद मैं कितना देर वॉक करता हूँ। सो 20 से 30 मिनट तक मैं वॉक करता हूँ प्राणायाम करने के बाद। उसके बाद मैं आसना करता हूँ। तो आसन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो हमारा वीन होता है जहाँ पर ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाता है, वो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और वो हार्ट तक पंप बैक नहीं हो पाता। वो जो ब्लड रहता है फिर वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है और हम नहीं चाहते कि वो डीऑक्सीजनेट हो। उसके कारण फिर स्पर्म क्वालिटी डिक्रीज होती है। तो हम चाहते हैं कि वो ब्लड मूव करते रहे, वापस जाते रहे हार्ट तक, ताकि वो पंप हो सके, फिर से पंप हो सके। लेकिन वेरिकोसिल होने के कारण वो हो नहीं पाता है। तो आसना करना इसलिए रिक्वायर्ड है, इसलिए हमको आसना करना पड़ता है। इसमें आप देख सकते हो सेतु बंधासना है। अब जो तुम्हारे स्क्रोटम में जो नर्व्स है, वेन्स है, जिसमें ब्लड पुलिंग हुई है, जो जहाँ पर ब्लड जमा हुआ है और जो वापस नहीं जा पा रहा है, वो ग्रेविटी के कारण तुम्हारे हार्ट में जाना स्टार्ट होगा। तो मैं पहला आसन जो करता हूँ वो सेतु बंधासना है। आप देख सकते हैं कि इसको कैसे करना है, या फिर गूगल में आप सर्च कर लेना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सेतु बंधासना मैं करता हूँ 30 सेकंड के लिए, 5 बार 30 सेकंड करता हूँ, फिर 30 सेकंड का गैप लेता हूँ, फिर 30 सेकंड करता हूँ, फिर 30 सेकंड का गैप लेता हूँ। उसके बाद दूसरा आसन जो करता हूँ मैं, वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन वही सेम 30 सेकंड 30 सेकंड का गैप है, 5 मिनट के लिए 5 बार करता हूँ मैं। सर्वांगासन आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है कि ब्लड आपका वापस हार्ट तक पंप हो जाए। और तीसरा है शीर्षासन। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपका ब्लड मूव करते रहे, नीचे जा वापस हार्ट तक जाते रहे, ताकि वो फिर से अगेन पंप हो और उसको ब्लड मिलते रहे, ताकि वो सेल्स रीजनरेट कर सके बार बार। जिसको जिस जिसको बहुत ज़्यादा मोटापा है, जिसको ओवरवेट है, वो ये आसन मत करे। जिसको भी आँख की बीमारी है, मतलब बहुत ज़्यादा चश्मे लगे हुए हैं, वो ये मत करे क्योंकि वो आँख में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और जो ऐसे नहीं कर पा रहे, वो किसी दीवार की मदद से ऐसे कर ले, या फिर बेड पे कर ले, या तो सोफ़ा पे कर ले। बस इसी पोज में करना है, आप ये ध्यान रखिए, और किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो तीन आसना करता हूँ मैं, सेतु बंधासना पहले, उसके बाद सर्वांगासन, उसके बाद शीर्षासन। तीनों कीजिए 30 सेकंड के लिए कीजिए, फिर 30 सेकंड का गैप लीजिए, फिर 30 सेकंड के लिए कीजिए, फिर 30 सेकंड का गैप लीजिए। ऐसे ही आपको 5 बार करना है दिन में। सुबह सुबह एक बार कीजिए, शाम को एक बार कीजिए। अगर आपके पास टाइम है शाम को करने का तो शाम को कीजिए, वरना सुबह तो करिए ही। प्राणायाम करने के बाद, वॉक करने के बाद आप ये करिए ही। और कुछ क्वेश्चन है आपका तो ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में।